हेडिंग डालेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर थोड़ा और आइडिया दे रहा हूँ। भाई हमारे पास क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये सोडियम हुआ और ये एल्कोक्साइड हुआ आर ओ माइनस। सोडियम पे क्या है, प्लस है, तो ये सब्सटेंस है या रिएजेंट है? रिएजेंट, ठीक है रिएजेंट। तो सब्सटेंस कौन है यहाँ पर? सब्सटेंस है हमारे लिए एल्काइल हैलाइड यानी आर डैश एक्स, सही है। तो यहां हमारे पास क्या होगा, क्या बनेगा, ये इस तरफ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आर डैश ओ आर प्लस एन एक्स, ठीक है। हमारे लिए कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, एस एन टू, आ रही है बात समझ में? तो अगर ये एस एन टू है तो यहां पर ये क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, और रेयर केस में 2 डिग्री, बस 3 डिग्री को तो भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहां पर आर कोई सा भी हो सकता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर आपसे मैं ये कहता हूं, एग्जाम्पल की बात करें, एन ए प्लस और ओ आर माइनस आर डैश एक्स, ये अगर आर को आपने ले लिया सी एस थ्री और ये भी ले लिया सी एस थ्री एक्स, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, बोलो यस और नो। दूसरा एग्जाम्पल, ये आपने ले लिया ओ सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री प्लस क्या ले लेंगे आप यहां पर, सी एस थ्री एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी एस थ्री ओ सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, यह सुनो। दूसरा एग्जाम्पल तैयार है, लेकिन अगर आपने ये ले लिया एन ए प्लस ओ, अगला क्या है सी एस थ्री बस, और यहां आपने ले लिया सी सी एस थ्री सी सी एस थ्री फिर सी एस थ्री और यहां एक्स ले लिया, तो अब आपके पास यहां एस एन टू हो रहा था ऊपर, यहां एस एन टू हो रहा था, अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एस एन टू तो दे ही नहीं सकते, तो क्या देने की कोशिश करेंगे, वो एस एन वन, सही है। लेकिन एस एन वन में ये एक और बात है कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, वीक। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नाटक करता है, आपने भले ही मेरे से नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कई जगह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, तो ये बेस भी है, और इस कारण ये एच को लेके एल्कीन भी बनाता है, या तो ये इथर बनाएगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये एल्कीन, और ये मेजर रहेगा एलिमिनेशन E1 जो भी है पक्का। तो ये क्या करेगा, मैकेनिज देगा आपके पास ई मैकेनिज, आएगा एच ले जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आगे आप पढ़ेंगे ये मेरे से E2 मैकेनिज, तो ये क्या बनेगा, मेजर ये रहेगा, तो क्या आप बनेगा तो ईथर थोड़ा सा SN1 से, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना आप सोच रहे हैं, कुछ समझ में आया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ है आपके पास, अगर आपको ये बनाना है तो आप ये वाला इथर बनाना चाहते हो, यहां एक ही प्रोडक्ट दिख रहा था, दूसरे प्रोडक्ट मेजर एक ही था, दूसरे माइनर है, जबकि यहां ये क्या है, माइनर है। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बनाओ, बेटर है, यानी एल्कोक्साइड तो 3 डिग्री लो और एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लो, कुछ समझ में आया, चमक रहा है अच्छे से, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये एक और एग्जाम्पल हुआ आपका थर्ड, एक साथ और लिख लेना, एग्जाम्पल फोर, आपने ये ले लिया पीएच एक्स प्लस एनए प्लस ओ सी एस थ्री, अब क्या करें, ये अटैक करना चाहता है लेकिन एल्काइल हैलाइड सॉरी फिनाइल हैलाइड कोई रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, रेजोनेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस,
एक्स इज नॉट लिविंग ग्रुप, यहां एक्स यानी कि एक्स इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, तो जब लिविंग ग्रुप ही नहीं है इसके पास तो क्या ये मैकेनिज्म देगा? नहीं देगा, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेजोनेंस है जिससे डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम्पल 1 2 4, और बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। तो एक और मैं आपको दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट जनरेट बाय विलियम, जो ये नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एग्जाम्पल ए ऑप्शंस CH3 O CCH3 CH3 CH3 PHO CH3, बी ऑप्शन सी ऑप्शंस CH3 O CH3 और डी ऑप्शंस C2H5 O C2H5। या CH3 कर दो तो आंसर क्या जाएगा? बी। बी बना ही नहीं पाओगे। बी बनाने के लिए आप क्या लोगे? एक सेकंड के लिए सोचा जाए, बी बनाने के लिए आप क्या लेने की कोशिश करोगे? आप लोगे पीएच, भाई ये ले लोगे ज्यादा ज्यादा पीएच ओ माइनस एनए प्लस, ठीक है ले सकते हो। और उधर क्या ले लोगे आप? CH3 Cl। तो क्या ये बन सकती है? ये तो बन सकता है। आप इसको एक काम करो, अब लिख लीजिए सही है, अब ले पाओगे आप CH3 C CH3 CH3 Cl। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये SN2 नहीं देगा, वो तो बन जाता, ये नहीं बनेगा क्योंकि, एक मिनट, ये तो बन जाएगा क्यों? क्योंकि आप ये लो एल्कोऑक्साइड और ये लो एल्काइल हैलाइड, बन जाएगा हाँ या ना? ये बन जाएगा, ये आपने अगर ये एल्कोऑक्साइड ले लिया और PHCl ले लिया तो भी नहीं बनेगा क्योंकि PHCl में क्या हो जाएगा? DBC आ जाएगा। और अगर आपने ये एल्कोऑक्साइड ले लिया और ये एल्काइल हैलाइड ले लिया तो भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन देने लग जाएंगे सब्स्टिट्यूशन की जगह और एल्कीन बना देंगे मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? पक्का? तो आंसर क्या जाएगा? बी। लिखें इसको।